कुमार हेमंत तोतावड़ आपको बताना चाहेगा, भारत का उपराष्ट्रपति जो हमीद अंसारी जो थे कांग्रेस के समय में, वो इतने उच्च पद पर थे कि उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर थे। सोचिए कि उसको सर पर बिठाया गया, भारत ने अपना ताज बनाया, भारत ने इतना सम्मान दिया, मान सम्मान दिया, और वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उसके बावजूद भी दिया गया। परंतु अब उसके तार जो है सामने समझ में आ रहे हैं, उनके कनेक्शन समझ में आ रहे हैं कि पाकिस्तान के वो बहुत बड़े एजेंट थे और देश के साथ नमक हरामी और देश के साथ गद्दारी की, ये बात अब सामने समझ में आ रही है। उनके कई तार जो है पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे, आईएस के साथ जुड़े हुए थे, आतंकवादियों के साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने मुस्लिम समुदाय को यहाँ पर मतलब आतंकवाद को समर्थन भी किया है। किस तरीके से देखिए, आपको आपने देखा होगा अभी भयंकर चल रहा है, पाकिस्तान का जो पत्रकार था वो इंडिया में आता है, जिसको 3 राज्यों में ही खाली जाने की परमिशन मिलती है, लेकिन यहाँ आके वो 6-7 राज्यों में जाता है, भ्रमण करता है, घूमता है और जासूसी करता है। किस तरीके से हमीद अंसारी ने परमिशन दिया उसके साथ मिलना, उठना, बैठना, और किस तरीके से उसने प्रमोट किया, ये दिखा रहा है कि इस्लामीकरण के तरफ इंडिया को ले जाते हुए। तो हमीद अंसारी कभी देश के लिए वफादार नहीं रहे, ये गद्दार रहे। देखिए, इंदिरा गांधी के समय आपको याद होगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, तो इंडिया के अंदर पाकिस्तानी मुसलमानों को भी रखा गया था, मैंने फौज के अंदर, फोर्स के अंदर, लेकिन वो जो मुस्लिम समुदाय थे उच्च पद पर थे, उन्होंने गद्दारी की, देश के साथ दगाबाजी की, तो इंदिरा गांधी ने एक कानून बनाया था कि ऊंचे पद पर कोई भी मुसलमान नहीं रहेगा फौज के अंदर, क्योंकि देश की सुरक्षा में ये गद्दारी कर सकते हैं। तो उसी तरीके से देखिए, एक बार फिर उभर के आया है कि ऊंचे पद पर हमीद अंसारी जो मुस्लिम समुदाय से है वो फिर गद्दार साबित हुए हैं, देश के लिए वफादार साबित नहीं हुए हैं। तो इससे देश को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि मुस्लिम समुदाय को कभी भी उच्च पद पर राष्ट्र में, देश में नहीं रखना चाहिए। और एक तरफ जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय की 1947 देखिए PFI ने ये कहा, देखिए सामने सब आतंकवादियों के तार सामने आ रहे हैं। PFI एक आतंकवाद संगठन है जो कि अभी अभी पटना के अंदर, बिहार के अंदर एक डॉक्यूमेंट और उनकी जो टीम है, आतंकवादी टीम है, उसको पकड़ा गया और पता चला कि PFI की जो तार है वो पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ जुड़े हुए हैं। किस तरीके से PFI भारत को 1947 में जब आज़ाद हुआ और उसके 100 साल बाद 2047 में भारत को इस्लामीकरण बनाने का पूरा लेखा जोखा, सब डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी हो गए हैं। किस तरीके से जनसंख्या को बढ़ाकर भारत में सिर्फ 10% मुसलमान एक साइड हो जाए तो भारत की 100 करोड़ जो हिंदू है उसका सरेआम कत्लेआम कर देंगे, क्योंकि इस्लाम में भी लिखा है कि काफिरों का कत्ल करो, ये बात तो इस्लाम में भी लिखा है। और यही रास्ते पर चलता हुआ PFI जिस तरीके से आतंकवाद का नंगा खेल खेल रहा है, देश के अंदर किस तरीके से आतंकवाद को समर्थन दे रहा है, मैं बताना चाहूँगा। तो PFI पर जो है एक्शन, जो सरकार, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि मोदी सरकार, योगी सरकार को जब लेके आया गया तो उसका जो चुनाव से पहले जो बात थी और चुनाव के बाद जो अभी जो हो रहा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार का एक्शन समझ में नहीं आ रहा है। सरकार जो बातें चुनाव से पहले करती थी, अब जो चुनाव के बाद है वो भी सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, सवालों के घेरे में सरकार आ जाती है, क्योंकि वो जो एक्शन है, जो एक्शन दिखना चाहिए सरकार बनने के बाद, जो हिंदुओं ने उसके ऊपर भरोसा किया, राष्ट्र के लिए भरोसा किया, तो वो एक्शन जो है सरकार जो है सरकार के ऊपर दिख नहीं रहा है। तो देखिए, तो एक तरफ देखा जाए तो BJP के ऊपर जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि BJP ने जिस मुद्दे के साथ हिंदू राष्ट्र की बात कही थी कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, अभी तक वो हिंदू राष्ट्र हालांकि है तो हिंदू राष्ट्र देश, क्योंकि सेकुलर है नहीं, ये सिर्फ मुसलमान कहते हैं और कुछ पॉलिटिशियन समुदाय कहते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर हिंदू है, 100 करोड़ हिंदू है, वो कभी भी सेकुलर नहीं मानते अपने आप को, ये बात शायद लोगों को पता होनी चाहिए, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को पता होनी चाहिए, जहाँ पर हिंदू जो है अल्पसंख्या है और वहाँ पर सरेआम कत्लेआम हो रहा है हिंदुओं का, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है, ये आपको भी पता है और किसी भी मुसलमान से छिपा हुआ नहीं है। अब यहाँ पर गजाए हिंद है, PFI जैसी आतंकी संगठन है, तो कृपया और जिस तरह से OVC है और कई संगठन है जो मुस्लिम समुदाय के हैं, जो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं और जिहाद की बातें करते हैं, जिहाद
माने जंग होती है, जंग माने लड़ाई, लड़ाई माने सबसे आम कत्लेआम होता है, और बहुत हुर्रों की बातें होती है यहाँ पर, और बहुत हुर्रों के झांसे में वो जिस तरीके से कत्लेआम कर रहे हैं, सर तन से अलग करने की बातें कर रहे हैं, कई बातें ऐसी हैं पूछ बताना चाहूँगा। नीपुर शर्मा वाला मुद्दा है, सर तन से अलग करो, लेकिन अब वो देश कहाँ चले गए, 56 देश जो छाती कूट कूट कर नीपुर शर्मा के ऊपर अंगली उठा रहे थे वो सब भाग गए देखिए। और यहाँ पर जो सरतन से अलग कर रहे थे वो मुस्लिम समुदाय जो है पकड़े जा रहे हैं, और उनका आईएस से संपर्क साधा सीधा सीधा मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि देश के अंदर अभी भी गद्दार लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, पर जो आतंकवादी पकड़ा जाता है वही मुसलमान क्यों निकलता है, ये बात सामने समझ में आ रही है। और वो लोग अल्लाह का नाम लेकर किस तरीके से कत्लेआम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को, मैं फिर से बताना चाहूँगा, अगर भारत सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि मुस्लिम समुदाय को भारत के कोई भी बड़े पदों पर कभी भी कोई भी बड़ा पद हो भारत का, भले वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, या फिर आर्मी हो, फोर्स में हो, वहाँ पर बैंड लगाना चाहिए, और वो भारत के किसी भी बड़े पद पर नहीं रह सकते, क्योंकि वो अगर बड़े पद पर रहेंगे तो इसका दुरुपयोग करेंगे और राष्ट्र के और देश के लिए पीठ पर खंजर घोंपेंगे। यह आज तक देखने को मिला है, और यही चीज़ जो है इसका विरोध हो रहा है पूरे भारत में। और केंद्र सरकार जो है, जिस तरीके से केंद्र सरकार को अपने वादे के साथ लेके आया गया है, तो केंद्र सरकार की ये पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो इस चीज़ को अमल करे और इस चीज़ को आगे से आगे बढ़ाए। मैं इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, और अपने कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट रखें, अपने विचार रखें शालीनता से। धन्यवाद।